दर्द से भरी जाने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी कहानी। द कश्मीर फाइल्स एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है। जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो कश्मीरी विद्रोह के दौरान कश्मीर निष्क्रमण से पीड़ित हुए हैं। 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था। यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के कारण यह 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव इत्यादि कलाकार भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी। रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म की बधाई दी। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकों लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। न महिलाओं को बख्शा जा रहा है, न बच्चों को। गली गली में रालिव, चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। पीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्करनाथ पंडित और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और 2 पोते के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त, जो कि IAS है, DGP हरि नारायण, विष्णु राम, जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं, और डॉक्टर महेश कुमार से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक है, जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीरी की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर अपना न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। फिल्म के निर्माता ने कहा है कि अग्निहोत्री और उनके परिवार के खिलाफ कई हुक्म अध्यादेश जारी किए गए थे। मौत की धमकी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए धमकी भरे कॉल की भी सूचना मिली थी। जैसे जैसे फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार होती गई, धमकी भरे कॉल और संदेशों की आवृत्ति बढ़ती गई। इतना कि डायरेक्टर को अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़े। खतरे के स्तर को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अग्निहोत्री को भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वाई श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल स्क्वाड्रन नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है।
तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया गया। इस फिल्म को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया। इसे 11 मार्च 2022 को भारत में लगभग 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह 12.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और सप्ताहांत में 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिलीज के दिन की तुलना में द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले दिन के संग्रह में 323% की वृद्धि के साथ यह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को किसी भारतीय फिल्म के लिए संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक त्वरित सफलता बन गई और रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही इसने भारत भर में 97 करोड़ कमाए। 11 अप्रैल 2022 तक इस फिल्म ने भारत में 250 करोड़ के साथ दुनिया भर में 337 करोड़ का सकल संग्रह किया। इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स कोविड-19 महामारी के बाद से 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। दर्द से भरी जाने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी कहानी। द कश्मीर फाइल्स एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है। जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो कश्मीरी विद्रोह के दौरान कश्मीर निष्क्रमण से पीड़ित हुए हैं। 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था। यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के कारण यह 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव इत्यादि कलाकार भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी। रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म की बधाई दी। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकों लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। न महिलाओं को बख्शा जा रहा है, न बच्चों को। गली गली में रालिव, चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। पीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्करनाथ पंडित और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और 2 पोते के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त, जो कि IAS है, DGP हरि नारायण, विष्णु राम जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं, और डॉक्टर महेश कुमार से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक है जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीरी की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर अपना न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी।
फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि अग्निहोत्री और उनके परिवार के खिलाफ कई हुक्म अध्यादेश जारी किए गए थे। मौत की धमकी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए धमकी भरे कॉल की भी सूचना मिली थी। जैसे जैसे फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार होती गई, धमकी भरे कॉल और संदेशों की आवृत्ति बढ़ती गई। इतना कि डायरेक्टर को अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़े। खतरे के स्तर को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अग्निहोत्री को भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वाई श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल स्क्वाड्रन नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया गया। इस फिल्म को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया। इसे 11 मार्च 2022 को भारत में लगभग 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह 12.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और सप्ताहांत में 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिलीज के दिन की तुलना में द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले दिन के संग्रह में 323% की वृद्धि के साथ यह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को किसी भारतीय फिल्म के लिए संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक त्वरित सफलता बन गई और रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही इसने भारत भर में 97 करोड़ कमाए। 11 अप्रैल 2022 तक इस फिल्म ने भारत में 250 करोड़ के साथ दुनिया भर में 337 करोड़ का सकल संग्रह किया। इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स कोविड-19 महामारी के बाद से 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई।
ये हम लोगों की कहानी है। बहुत ही अच्छा है। मैं बस ये चाहता हूँ, मेरी दुआ है ये फिल्म कामयाब हो बॉक्स ऑफिस में। बहुत ही प्यारी फिल्म है। बहुत सारे ऐसे किरदार जिन्हें हम हमेशा देखते हैं और ये बोलते हैं अरे ये उसमें देखा था लेकिन नाम हमें नहीं याद रहता, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की ये कहानी है। और ऐसा कई दशकों से ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिनके चेहरे हम जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते, तो ये कहानी उन लोगों की है और लोगों को जाके देखना चाहिए। थैंक यू, होली मुबारक। आगे विजुअल ये किसका है? अरे थोड़ा छोड़, वेट वेट का वीडियो, वेट वेट अपना ये वीडियो है, वीडियो है इसका बाहर निकाल दो। रुक जा, इसे छोड़ ले, वीडियो ले ना, बड़ा अच्छा है। किधर देख किधर ये किसका है? कौन है जिसका? दोनों लोग कम करके देता हूं। अरे ये मेरा है, ये आपको यहां पे निकाल दो। सब लोग रिकवर है, दूसरे के बंदूक पे हाथ रहे थे। वीडियो थैंक यू। बोलना पवन, क्या हुआ? इधर गए लोग, किसले हाँ हमको भी, हमको भी चाहिए। यस, यहाँ पे मैम, यहाँ पे अजय को चाहिए। यहाँ पे
बेताली अच्छा लग रहा है लाइटिंग अच्छा रोशन हाँ इतने इतने बस होल्ड होल्ड वेट वेट पीछे पीछे थोड़ा मार शाहरुख को भी ऐसे बोलना थैंक यू आदि सर सर वीडियो के लिए अर्जुन का वीडियो सही है तेरे को यार 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 सर हां श्रद्धा का बर्थडे मनाया कि नहीं हां मनाया मजे पे भरोसा मैम इतने मैम वीडियो के लिए थोड़ा पीछे मैम लुक हियर मैम राइट मैम यहाँ पर सेंटर थैंक यू मैम बगे सेंटर बोलो तो बगे अरे ले ले तेरे को वाइड मिल रहा है लेकिन कैसे ले गए पीछे बता ना अभी तो हो गया है आएगा इधर अरे मैडम मैडम पीछे लो फोन पीछे लो प्लीज और पीछे लीजिए मैडम मैडम आरती थोड़ा पास चलो पीछे 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 मैडम मैडम आ रहा है पीछे लो इधर आएगा ना इधर यार शमशाद ने चुतिया पकिया मेरे को आएगा इधर लेंगे ना देख मेरे में भी विजुअल तो वो है यार मेरे भी फ्रेम में आ रहे हैं लोग देखना कितना पॉइंट हाँ सर तेरे नेक्स्ट टाइम लोग मेरे आ गया अरे मेरे में भी आए थे किधर मिल रहा है क्या मेरे तेरे को शाहरुख खान खड़ा वो तो मिल रहा है ना वाइड में मिल रहा है ना पूरा ये टाइट में किधर मिलेगा आएगा इधर ना ये ले मैं इधर थोड़ा सा इसको होने टूटे रहता आ गया ना मिल रहा है ना ये तो Excuse me, साइड प्लीज Oh, excuse me, my shit!
सर वीडियो के लिए बोलो यहाँ पे के लिए विनोद राम प्रमोद सर 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 वीडियो अरे भाई ये स्टील भी है ब्लैक शर्ट ये शर्ट ले क्या भाई सर वीडियो आज का वीडियो सर वीडियो सर वीडियो वीडियो सर सर प्लीज साइड प्लीज साइड प्लीज साइड साइड प्लीज भाई नीचे बैठ जा भाई वो सर वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए सर वीडियो सर वीडियो के लिए वीडियो के लिए ये बोलो रे वीडियो के लिए एक मिनट सर वीडियो के लिए वीडियो के लिए वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए सर सरप्राइज है गाइस फ्लैश इज ऑफ फ्लैश इज ऑफ फ्लैश हैप्पी बर्थडे टू शूट कर सर फ्लैश ऑफ सर फ्लैश बंद कर फ्लैश कैंडल भाई कौन है लाइटर ओके गाइस सिंस इट वाज वैशाख बर्थडे यस्टरडे वी आर गोइंग टू कट दिस केक दैट वी हैव मेड एज फॉर बर्थडे प्रेजेंट और मुझे ये बताया गया है कि आपने 6 साल से नॉट एबल टू थोड़ा पीछे हो जाएंगे सब लोग सॉरी प्लीज अभी पीछे रहे हैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए पीछे सर सर अभिषेक नो आई कैन शूट नॉट एवरीथिंग व्हाइट ले रहा कोई वेयर इज अभिषेक अभिषेक इधर आ जाओ यार गाइस आर यू गोना कट विद दिस योगेश कितना शॉट्स यहां पे योगेश 3 शॉट पकड़ रहा था इधर योगेश कम बजा यू गो बोल दिस चलो फुल अब ये कटिंग वर्षा केक आप तो देख रहे हो हैप्पी बर्थडे वर्षा कट स्किप Happy birthday to you. I hope it is good. Yeah, I was just. His birthday cake, okay.
इट्स अमेजिंग, वेरी वेल मेड. Wow, it's so good. Who's I think you must try this. Papa ko khilao. Daya, kaisa laga? Nice. 6 years and next cake should be next year. Nice? Bol na, bol na. Come. नहीं कैप लगाओ ना सब लोग. पिपनी भी बन कम क्लोज अंशिला जी जरा आप ही आप ही बैलेंसिंग है only uncle has managed to balance it up. आपने कैसे किया है मॉडलिंग करते हो क्या कैसे लुक सेंटर लुक सेंटर अरे क्या कौन है enough now yeah let's have a good time thank you Dan thank you thank you thank you आलू का जो रस है हम लोग भी खाएंगे आप भी thank you okay now you cut your cake आपने हमने केक बनाया आपने केक काटा कैसा थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है बहुत सारे लोग हैं कैमराज एंड ऑल बट सब दोस्ती है हम लोग सब साथ में हैं अभी मेरे लोग बोल रही थी कि खाइडो केक ही लेते हैं अरे यहाँ पे अरे इधर इधर देखे मैम सेंटर पूजा पूजा कम से भरी जाने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी कहानी. द कश्मीर फाइल्स एक भारतीय हिंदी फिल्म है. यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है. यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है. जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है जो कश्मीरी विद्रोह के दौरान कश्मीर निष्क्रमण से पीड़ित हुए हैं. 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था. यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के कारण यह 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव इत्यादि कलाकार भूमिका में थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी. रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर रही है. संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म की बधाई दी. फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है. दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है. कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है. श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है. उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में. साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है. दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकों लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं. न महिलाओं को बख्शा जा रहा है न बच्चों को.
गली गली में रालिव चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। पीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्कर नाथ पंडित और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और दो पोते के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने चार दोस्तों ब्रह्मदत्त जो कि IAS है, DGP हरिनारायण, विष्णु राम जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार से मदद मांगते हैं, लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक है जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीरी की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर अपना न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। फिल्म के निर्माता ने कहा है कि अग्निहोत्री और उनके परिवार के खिलाफ कई हुक्म अध्यादेश जारी किए गए थे। मौत की धमकी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए धमकी भरे कॉल की भी सूचना मिली थी। जैसे जैसे फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार होती गई, धमकी भरे कॉल और संदेशों की आवृत्ति बढ़ती गई, इतना कि डायरेक्टर को अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़े। खतरे के स्तर को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अग्निहोत्री को भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वाई श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल स्क्वाड्रन नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया गया। इस फिल्म को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया। इसे 11 मार्च 2022 को भारत में लगभग 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह 12.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और सप्ताहांत में 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिलीज के दिन की तुलना में द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले दिन के संग्रह में 323% की वृद्धि के साथ यह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को किसी भारतीय फिल्म के लिए संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक त्वरित सफलता बन गई और रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही इसने भारत भर में 97 करोड़ कमाए। 11 अप्रैल 2022 तक इस फिल्म ने भारत में 250 करोड़ के साथ दुनिया भर में 337 करोड़ का सकल संग्रह किया। इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स कोविड-19 महामारी के बाद से 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। दर्द से भरी जाने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी कहानी। द कश्मीर फाइल्स एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है। जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो कश्मीरी विद्रोह के दौरान कश्मीर निष्क्रमण से पीड़ित हुए हैं। 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था। यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के कारण यह 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी,
अतुल श्रीवास्तव इत्यादि कलाकार भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी। रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म की बधाई दी। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुँचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के चार दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकों लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। न महिलाओं को बख्शा जा रहा है न बच्चों को। गली गली में रालिव, चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। पीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्कर नाथ पंडित और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और दो पोते के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने चार दोस्तों ब्रह्मदत्त, जो कि IAS है, DGP हरि नारायण, विष्णु राम जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं, और डॉक्टर महेश कुमार से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक है जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीरी की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर अपना न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। फिल्म के निर्माता ने कहा है कि अग्निहोत्री और उनके परिवार के खिलाफ कई हुक्म अध्यादेश जारी किए गए थे। मौत की धमकी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए धमकी भरे कॉल की भी सूचना मिली थी। जैसे जैसे फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार होती गई, धमकी भरे कॉल और संदेशों की आवृत्ति बढ़ती गई। इतना कि डायरेक्टर को अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़े। खतरे के स्तर को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अग्निहोत्री को भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वाई श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल स्क्वाड्रन नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया गया। इस फिल्म को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया। इसे 11 मार्च 2022 को भारत में लगभग 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह 12.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और सप्ताहांत में 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिलीज के दिन की तुलना में द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले दिन के संग्रह में 323% की वृद्धि के साथ यह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को किसी भारतीय फिल्म के लिए संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक त्वरित सफलता बन गई और रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही इसने भारत भर में 97 करोड़ कमाए। 11 अप्रैल 2022 तक इस फिल्म ने भारत में 250 करोड़ के साथ दुनिया भर में 337 करोड़ का सकल संग्रह किया। इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स कोविड-19 महामारी के बाद से 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। तो से भरी जाने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी कहानी। द कश्मीर फाइल्स एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है। जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो कश्मीरी विद्रोह के दौरान कश्मीर निष्क्रमण से पीड़ित हुए हैं। 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था। यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के कारण यह 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव इत्यादि कलाकार भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी। रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म की बधाई दी। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकों लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। न महिलाओं को बख्शा जा रहा है, न बच्चों को। गली गली में रालिव, चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। पीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्करनाथ पंडित और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और 2 पोते के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त, जो कि IAS है, DGP हरिनारायण, विष्णु राम, जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं, और डॉक्टर महेश कुमार से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक है, जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीरी की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर अपना न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। फिल्म के निर्माता ने कहा है कि अग्निहोत्री और उनके परिवार के खिलाफ कई हुक्म अध्यादेश जारी किए गए थे। मौत की धमकी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए धमकी भरे कॉल की भी सूचना मिली थी। जैसे जैसे फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार होती गई, धमकी भरे कॉल और संदेशों की आवृत्ति बढ़ती गई। इतना कि डायरेक्टर को अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़े। खतरे के स्तर को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अग्निहोत्री को भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वाई श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था।
कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल स्क्वाडन नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया गया। इस फिल्म को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया। इसे 11 मार्च 2022 को भारत में लगभग 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह 12.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और सप्ताहांत में 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिलीज के दिन की तुलना में द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले दिन के संग्रह में 323% की वृद्धि के साथ यह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को किसी भारतीय फिल्म के लिए संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक त्वरित सफलता बन गई और रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही इसने भारत भर में 97 करोड़ कमाए। 11 अप्रैल 2022 तक इस फिल्म ने भारत में 250 करोड़ के साथ दुनिया भर में 337 करोड़ का सकल संग्रह किया। इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स कोविड-19 महामारी के बाद से 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। दर्द से भरी जाने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी कहानी। द कश्मीर फाइल्स एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है। यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है। जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ वीडियो साक्षात्कार पर आधारित वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो कश्मीरी विद्रोह के दौरान कश्मीर निष्क्रमण से पीड़ित हुए हैं। 4 मार्च 2022 को इसका विशेष प्रीमियर हुआ था। यह फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के कारण यह 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव इत्यादि कलाकार भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी। रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म की बधाई दी। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा अपने दादाजी पुष्करनाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकों लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। न महिलाओं को बख्शा जा रहा है, न बच्चों को। गली गली में रालिव, चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। पीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्करनाथ पंडित और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और 2 पोते के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त, जो कि IAS है, DGP हरि नारायण, विष्णु राम जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं, और डॉक्टर महेश कुमार से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक है जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है।
एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीरी की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर अपना न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। फिल्म के निर्माता ने कहा है कि अग्निहोत्री और उनके परिवार के खिलाफ कई हुक्म अध्यादेश जारी किए गए थे। मौत की धमकी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए धमकी भरे कॉल की भी सूचना मिली थी। जैसे जैसे फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार होती गई, धमकी भरे कॉल और संदेशों की आवृत्ति बढ़ती गई। इतना कि डायरेक्टर को अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट करने पड़े। खतरे के स्तर को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अग्निहोत्री को भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वाई श्रेणी का सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। एक उत्तर प्रदेश निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के रूप में चित्रित कर सकती है। इसे एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। कश्मीर विद्रोह के दौरान मारे गए एक भारतीय सशस्त्र बल स्क्वाड्रन नेता की विधवा द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। विधवा के मुकदमे में कहा गया है कि फिल्म में पति की तुलना में घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रासंगिक दृश्य दिखाने से रोक दिया गया। इस फिल्म को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया। इसे 11 मार्च 2022 को भारत में लगभग 630 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 139.44 की वृद्धि दिखाई और 8.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह 12.05 करोड़ हो गया। सफल उद्घाटन के बाद 13 मार्च 2022 को स्क्रीन को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और सप्ताहांत में 24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिलीज के दिन की तुलना में द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले दिन के संग्रह में 323% की वृद्धि के साथ यह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को किसी भारतीय फिल्म के लिए संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटे बजट की हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक त्वरित सफलता बन गई और रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही इसने भारत भर में 97 करोड़ कमाए। 11 अप्रैल 2022 तक इस फिल्म ने भारत में 250 करोड़ के साथ दुनिया भर में 337 करोड़ का सकल संग्रह किया। इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स कोविड-19 महामारी के बाद से 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। Introduction video about the Central Bureau of Narcotics. He also works with the foundation that is Save the Children, and he also is an active participant for the cause of women trafficking and children education.
Ladies and gentlemen, can we all welcome on stage Mr. Sunil Shetty, sir. Bollywood films, drugs. आसानी से लोग कह देते हैं कि फिल्मों से जुड़े हो तो आप ड्रग से जुड़े हो, क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है और फिल्मों में ये होता है. और हमारा मानना है कि फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर होकर वो कहानियाँ कहने की कोशिश करती है. मीडिया में सारे मीडिया वालों को नहीं ब्लेम करता हूँ, लेकिन उनको भी नशा है TRP का, उसका क्या कहें. जैसे आपने कहा, अगर सही तरीके से दिखाया जाए चेंजेस एवरीथिंग. यहाँ से मैं शायद एक गेस्ट की तरह आया हूँ और आई डिडंट एंजॉय माय सेल्फ ऑन दैट सीट आउट देयर. मेरे दोस्त राजेश जी के साथ यू नो विद द एंटायर टीम ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स एज कंपेयर टू सिटिंग देयर एंड लिसनिंग. जहाँ कहानी एक ही है, दुश्मन हमारा एक ही है, द ट्रैफिकिंग दैट इज गोइंग ऑन. संजय जी से मेरी बात हो रही थी, यू नो डेप्यूटी कमिश्नर नारकोटिक्स, और उनका कहना ये था कि इसमें पहले किलोज में ड्रग्स आता था, अब टन्स में आता है. दैट इज आवर प्रॉब्लम, इट्स आवर कंट्रीज प्रॉब्लम. वेदर इट्स द मीडिया, वेदर इट्स एक्टर्स, वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर एंड स्टॉप दैट ब्लडी ट्रैफिकिंग दैट इज हैपनिंग. नॉट द कंजम्पशन, कंजम्पशन हमारा अपना है, हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे देखें हम, क्रिमिनल के तौर पर, ट्रैफिकर के तौर पर? नहीं. लाइक डॉक्टर सारिका सेड एंड शी सेड इट सो ब्यूटीफुली, मैम हैट्स ऑफ, विदाउट यूजिंग टोन्स दैट इम्पैक्ट पीपल, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से सबको समझाया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि हर एक को चाहे 60 साल का हो एक बच्चे की तरह देखना जरूरी है. बच्चा जब गिरता, आपने वही एग्जाम्पल दिया कि बच्चा गिरता हम हाथ पकड़ के उसे उठा लेते, लेकिन अगर बॉलीवुड एक गलती करती है तो बोलते हैं कि चोर है, डकैत है, सब ड्रग एडिक्ट्स है. नहीं, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में, और 300 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है. लाइक यू सेड द गेटवे, यस दैट गेटवे हैज टू स्टॉप देयर. सो लेट्स ऑल गेट टुगेदर टुडे. आई थिंक इट्स एन आई ओपनर. भाईश जी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स दैट आई हैव एवर अटेंडेड, व्हिच इज आवर कंट्रीज प्रॉब्लम. That we need to come together to stop trafficking. अगर आपको दिखाई दे कि कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, लटकाओ उसे, फांसी पर चढ़ा दो, मैं बोलता हूँ. And that's the only answer. लेकिन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसे बच्चे की तरह देख के उसे सुधारने की हम कोशिश करें. आई थिंक दैट्स वॉट इज रिक्वायर्ड. एक हीरो बनने के लिए हेरोइन की जरूरत नहीं है, हीरोइन की जरूरत है, लेकिन मीडिया उसे हेरोइन बना देती है. You know, so let's the media and us get together and look at every industry with a lot of love, lot of respect, because utni contribution hai hamari. Good or evil is only thing that we ever say, and we time and again say. Aaj ek cricketer khelta nahi hai, hum bolte hain usko nikal dena chahiye. Ye nahi dekhte ki wohi cricketer cancer se abhi nikal ke aaya. I'm talking about Yuvraj Singh. Why are we so judgmental? I think if the media becomes responsive, जो हम consume करते हैं, media को जिस तरीके से सुनते हैं, देखते हैं, अगर वो हमारी वो सोच भी change हो जाए और हम बार बार Twitter लेके किसी की band बजाने नहीं निकले. I use the word band बजाना क्योंकि वैसे ही है trolling. लेकिन एक अलग नजरिए से देखें, I think बहुत कुछ बदल सकता है. तो I think I pledge, you know, my complete support, Sanjay, to you, Rajesh ji, the entire bureau, if you need me 24/7, 365 days a year, Sunil Shetty is available, and let me trust you, and trust me, on behalf of the entire industry, and I'm not just saying Hindi film industry, I'm saying the Indian film industry, each one of us will come forward to do that. Because hamare ghar mein bhi bachche hain. How we conduct ourselves at home is how the children will conduct themselves. Hum drug ki baat karte, sigaret chhod do, अल्कोहल छोड़ दो, अगर कंज्यूम कर रहे हो तो अपने दोस्तों के बीच में, बच्चों के सामने आप कंज्यूम करोगे तो उनको लगेगा ये अच्छा ही है. एवरीथिंग इज गुड फॉर देम बिकॉज़ पापा इज डूइंग इट, बिकॉज़ मामा इज डूइंग इट, बिकॉज़ भैया इज डूइंग इट, यू नो, बिकॉज़ दीदी इज डूइंग इट. सो आई थिंक दीस आर द लिटिल थिंग्स दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स वी नीड टू पॉइंट ऑफ. सो द बेस्ट थिंग इज गेट देम इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट, गेट देम इन्वॉल्वड इन अ टीम स्पोर्ट.
because it is better to stay off drugs. That it's easier to stay away from drugs than to stay off drugs or get off drugs. So ye choti choti cheezein, you know, let's work on all that. Once again, thank you for inviting me here. And no, Bollywood is not filled with druggies. Galtiyan hum karte, unhe bhi bachchon ki tarah dekh ke maaf kijiyega. Hashtag boycott Bollywood, hashtag Bollywood druggies. Waisa hai nahi, hamare jaise bhi bahut sare log hain, 90% jo bachche hain अच्छे इंटेंशन से आते हैं छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से, ये सोच के मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, मैं क्यों ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइट होते हैं, पहले फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होते हैं, फिर फिजिकली एक्सप्लॉइट होते हैं, उसके बाद मेंटली एक्सप्लॉइट होते हैं, उसके बाद दिस इज दी ओनली ऑप्शन. Dr. Sarika said, could be prostitution, could be anything. So let's get together and save them out of all this, rather than see them in that situation. Aur unki aisi dhajjiyan udaye ki wo dobara kabhi uth nahi sakte. So give us a chance to stand up and give our best, because we're all very proud Indians, very, very, very proud Indians. And every film will depict that. We have also represented our country all over the world. आज अगर दुनिया में लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडिया को, तो बॉलीवुड एक छोटा सा हिस्सा उसका भी है. सो ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया हियर, प्लीज, वी आर एट आवर वर्स्ट, वी नीड योर सपोर्ट एंड पीपल सपोर्ट, बिलीव इन अस, वी कैन मेक अ डिफरेंस. थैंक यू. थैंक यू सर फॉर दिस लवली नोट. एंड एज सर हैज राइटली सेड, let's not judge one another, let's not put someone down, because the more we judge, the more time, the more physical effort, mental effort that person takes to come out from. Ek high action drama hua tha ek mahine par, you know, kafi cheeze chali thi jahan par star kids bahut sare logo ko, you know, investigate kiya tha, aur jaise abhi to unko bari kar diya ek mahina, lekin ek high drama chala tha. To aise cases mein hum kya measures lete hain, because एक महीना इज़ टू मच. एक बहुत एक किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली एक यंग किड हो तो ऐसे में, यू नो, व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ऐसी चीज़ें ना हो, बिकॉज ये आई डोंट नो, एक बहुत ही लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट भी पड़ा था. आई डोंट नो लाइक व्हाट हैव इसको, इसके बारे में कैसे क्या कहा जाए. तो सुनील अन्ना आपसे, बिकॉज यू रिप्रेजेंट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, आपसे कुछ जानना चाहूँगा. राजेश जी आपसे कुछ जानना चाहूँगा इस बारे में. आई थिंक पास्ट इज हिस्ट्री एंड लेट इट बी बायगॉन्स. आज एफर्ट्स है, सारे लोग यहाँ हैं, एक कोशिश है कि एक वर्कशॉप किया जाए ताकि हमारे भी राइट्स के बारे में हमें पता चले, क्रिमिनल एक क्रिमिनल और एक विक्टिम के बारे में पता चले. तो आई थिंक वो मेजर्स हो ही रहे और कोशिश, इसलिए आई थिंक ये वर्कशॉप है राजेश जी और पूरी टीम की तरफ से, कि एक वर्कशॉप है एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मीडिया की भी थी, हमारी भी थी एज एन इंडस्ट्री और साथ साथ डिपार्टमेंट की है. लाइक आई सेड अर्लियर, द प्रॉब्लम इज़ द कंट्रीज प्रॉब्लम, आपकी मेरी डिपार्टमेंट की, लोगों की, मीडिया की नहीं है. इट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग्स दैट इज कमिंग इन टू द कंट्री विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो आई थिंक घर से अगर हम शुरुआत करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस. या राजेश आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? दरअसल ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत ट्रायल चलती है, और उस ट्रायल में जैसा इन्फोर्समेंट एजेंसी है और कोर्ट्स है, वो कानून के हिसाब से काम करते हैं. तो जो भी आपने उस वक्त देखा होगा वो कानून के हिसाब से ही काम चल रहा था, और उस वक्त जुडिशरी को जो भी मुनासिब लगा, जो सच लगा है, उसके हिसाब से उन्होंने वो कार्रवाई की थी. और उसके बाद उस इंसिडेंस के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ी हलचल ज़रूर मची है कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल कंज्यूमर एंड अ ट्रैफिकर. तो
थोड़ी लॉ साइड भी कुछ बातें हैं लेकिन मैं आज नहीं बता सकता हूँ, बट देर इज सर्टनली थॉट एंड टॉक ऑन हाउ टू डिफ्रेंशिएट. तो आप देखेंगे कि आगे के समय पर हो सकता है कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव इस कानून में आए. I'm Roxana from Star Friday. I'm staying in Villepalle West. That's West I'm telling you specifically because near the station there are peddlers. And it's very fearing, like for kids to, you know, they're just there. The police is taking the action and all this. What awareness of the workshop you're doing, it's a very good initiative and very good cause. So I just want to know that how can, like, they are going, police is taking the action, and after 2-3 days you see them again, they are there. And for us, like, you know, it's scary to go on the bridge also for me sometimes. So I would, it is a request, or I would say, can you do something? It is really, really scary for our kids also. Our kids are also passing, they are school students, college students. So I would like to request do anything for that area. Not my, I'm staying over there. That is so, that's no, it is not about only your area. There are so many areas where hidden things keep on going, and now it is to be managed at a macro level. But we'll certainly, because that's why we have done this workshop at Mumbai, because Mumbai has a lot of challenges and threats also. Marathi bolte na pradurbhav, ite pradurbhav par jasta hai. So we'll take up this matter with the local administration also, and we'll convey them to you later. Thank you. Hello, so here, Mayura. I have a question, like when we talk about consumption of drugs, तो कोशिश ये होती है कि बचपन से ही उनको इतना पक्का बना दिया जाए कि वो इस बारे में सोचे ना. So like we say कि sex education ज़रूरी है school में, या फिर gender sensitization ज़रूरी है school में. Are we also thinking about sensitization or awareness regarding drugs with school children? Is there any provision to have such courses or like maybe compulsory, optional? अभी इतना तो नहीं सोचा, लेकिन क्या ऐसा कुछ provision है कि school में curriculum के साथ में ही ऐसे topics को भी लिया जा सके? Thank you. This is a very good suggestion. I think this can be taken up. अभी जैसा मैंने कहा कि एक हलचल, एक काफ़ी इसमें मूवमेंट्स है इस विषय पे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आल्सो मस्ट बी थिंकिंग टू इंक्लूड सम जनरल काइंड ऑफ टॉपिक. बट क्योंकि एजुकेशन में जो जो भी घातक विघातक परिणाम वाले चीज़ें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह आती हैं, तो ज़रूर उसका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है. आई थिंक यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस. या Mr. Rajiv Nivakkar, who is a collector of Mumbai, he is doing an excellent job. He, in this Nasha Mukta Bharat Abhiyan, which is for the Mumbai district, what he did on the first meeting itself is he invited the education department, and I think Nasha Mukta Bharat Abhiyan has a provision where the schools are to be incorporated. The education department, the colleges, the universities are to be incorporated. There will be local groups of the children and the guides. They guide, the guides can be the teachers or the parents also. And such local groups are to be trained. They are called the volunteers of Nasha Mukta Bharat. And they will be training the further people. So such training have happened in Mumbai district. And the school and colleges program, the NCC is involved. The NSS is involved, not the NCC. And the programs are conducted at various level. Because it started in pandemic, I myself have conducted a lot of online programs for the school children. And of course, we do it through our department, like the Drug Addiction Center. But yes, Nasha Mukta Bharat Abhiyan has given a push to it. And most of the schools are conducting it. Or it is almost made compulsory that every school should have one such program, and they are supposed to post it and inform the education department they have done it. So I would say it has started. And one more thing I would like to add, which was for the previous question, this Gaav Tithe Manasopchar,
this drive is going to go for the entire western zone of India, which includes Maharashtra, Goa and Gujarat. So in all these three states, a mental health professional, especially the psychiatrist, have gathered together and they'll be doing the drive so that we reach to as many homes or as many societies or as many people possible, so that victims are not targeted as bad people and they are looked upon as patients. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon, all of you. Sir, I'll be here. Yeah. 1 minute. Yes, drug abuse is increasing in our country, especially among the youth. And this is a matter of concern. I place that. I will cooperate in stopping the drug abuse. I promise that. I will not consume any harmful or illegal drug in any way for any purpose. I will create awareness about the ill effect of drug abuse by encouraging every person, especially the youth, so that the youth of India can live drug free, and they can become creative and important member of the society. Thank you. Now, I would request all to join for a lunch. Let's do the pictures first, huh? Please. आप आ जाइए इधर. Video sir, एक मिनट पीछे. Thank you. बाबू स्टेज पे. Sorry. Yes. सर लुक गया ना सर ड्रग अब्यूज की बात की जाए तो ड्रग्स जो है बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या कहेंगे उसके बारे में? ज़रूर हो रहा है और इसीलिए आज अवेयरनेस ड्राइव हुआ है, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ जनता भी थी, मीडिया भी थी, ब्यूरो था और यू नो मैं हूँ, तो आई थिंक एक डेफिनेट एफर्ट जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़र्स को विक्टिम की तौर पर न देखते हुए एक पेशेंट की हैसियत से देखे, और जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द कंट्री, उसके लिए रोक लगाया जाए, हम सब मिलके ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए। सर बॉलीवुड की बात की जाए तो सर बॉलीवुड में एक इजी टारगेट बना दिया जाता है, जैसा आपने भी कहा अभी, आप खुद ने कहा कि इजी टारगेट है, तो बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो इतना लोग मतलब जान नहीं पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये मैं नहीं मानूंगा, बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो अच्छी बातें होती भी है, और जब हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को गलतियां ना दिखाते हुए आरोप के तौर पर दिखाया जाता है, बहुत बड़ा क्राइम की तरह दिखाया जाता है, तो रिक्वेस्ट यही है कि जिस लेवल की बात हो वैसे ही किया जाए। अवेयरनेस करना कितना जरूरी है लोगों को? नहीं सर, आई थिंक आप नहीं, आज ये 25 जून को एक वर्कशॉप यहाँ पर हमने किया है, जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट कवर किया है, इसमें आप हेल्थ कॉन्सिक्वेंस की बात की हमने मैडम सारिका के द्वारा, और जो कानूनी कार्रवाई जो होती है लीगल कॉन्सिक्वेंस, जैसे 5 ग्राम से लेके तो जो भी नोटिफाइड कमर्शियल क्वांटिटी उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, 1 साल से लेके तो 30 साल तक सज़ा होती है,
दंड होता है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। सुनील जी ने इंस्पिरेशनल अपना टॉक दिया है और बहुत मुद्दे की बात की है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप आज हमने यहाँ पे किया है, और इस तरह के वर्कशॉप हम जितना ज़्यादा करेंगे जो भी लेवल पे संभव है, उतनी समझ आपकी बढ़ेगी और गुनहगार भी कम हो गए और गुनाह करने की संभावना भी कम होगी। तो हमारा जो नशा मुक्त भारत का जो नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसको साकार करने में बहुत जल्दी हम पहुँचें। और आई थिंक शायद एक गैप जो है उसको भी ब्रिज कर रहे हैं हम लोग, कि डिपार्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट की हेल्प लेके अगर हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं सुनील जी, और हम आज एक स्टेज पे खड़े हैं, और सुनील जी अपने आप में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट के एम्बेसडर है, इज़ अ वेरी चोजन पर्सनैलिटी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो ये कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं, और ये एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ही काम होगा, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और भारत में हर जिम्मेदारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कोई भी एक डिपार्टमेंट कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता, तो इसलिए हम लोग कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव जिम्मेदारी कर रहे हैं। ड्रग्स इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेचने वाले जो जगह जगह अब शाम होती है मुंबई के बहुत शहरों में, बहुत सी जगह में ड्रग्स बेचने वाले माफिया बहुत है, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको जेल में डालते हैं। डेफिनेटली आनी चाहिए, और इसीलिए स्पोर्ट्स इंस्पायर्ड फिल्में आती है, देशभक्ति की फिल्म आती है। बॉर्डर क्या है, इसमें हम ये नहीं दिखाते कि ड्रग्स के नशे के बारे में नहीं दिखाते, लेकिन देशभक्ति का जो नशा है वो दिखा रहे, ट्रू सोल्जर्स। सो ऐसी फिल्में, अगर इंस्पिरेशनल फिल्में बनाई जाए तो अच्छा ही है, यू नो, एक अलग नशा। जैसे सर ने इससे पहले स्पीच में भी कहा कि नशा होना चाहिए, लेकिन यू नो अपने करियर की तरफ, एक स्पोर्ट की तरफ, विकास की तरफ होना चाहिए। माई पर्सनल बिहेवियर, जैसे माँ बाप घर पे बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे बिहेव करते हैं। बच्चे सुन के नहीं, आपकी कभी सुनेंगे नहीं। आपने अगर बच्चों को कहोगे कि ये करो या ये मत करो, वो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप खुद वो नहीं करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज फॉलो इन योर फुटस्टेप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैंने कभी आहान को या आतिया को ये नहीं कहा कि ये करो या ये नहीं करो, बट आई हैव ऑलवेज मेड देम अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। Sir, you rightly mentioned that sports is another way forward for helping in terms of physical and mental health. And confidence. Confidence for the children. When a child is confident, when a child believes in team effort, believes in losing, learning how to lose and how to win, he will automatically stand tall in his life, you know, because losing is something that generally shakes people up in life. Ki are main nahi kar paunga, lekin jab ek team effort hoti hai aur aap girte ho aur uthte ho aur wapas khade ho jate ho, I think wo confidence aap mein aa jati hai, and you will never restore to anything that you will depend on for the rest of your life. Thank you. One line from my side, it is a Central Bureau of Narcotics. When you are giving news or flashing it, please say Central Bureau of Narcotics. It is Ministry of Finance. It is not NCB. Okay. Yeah. So thank you once again. Thank you. Piche. Camera piche. Tripod piche. Le lo. Idhar aa. Piche. Like who you are, right? Okay.
So initially when I was studying in SRM University, I was doing my BTech. तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे मॉडलिंग एंड फिल्म्स के ऑफर्स आने लग गए थे, बट मुझे अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, इसलिए उस वक्त मैंने कोई ऑफर नहीं लिया. बट एज सुन एज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आई केम डायरेक्टली टू मुंबई. यहाँ आके मैं किसी को नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, कैसे ऑडिशन देना है, किससे मिलना है. तो स्लोली स्लोली फेसबुक से किसी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट बना, वहाँ से ऑडिशन शुरू हुए, वहाँ से फ्रेंड्स बने. एंड देन सो स्टार्ट मेरा करियर का हुआ है टीवी शोज से. मैंने टीवी शोज में पहले धीरे धीरे शुरू किया, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ी है. और मेरा लास्ट शो गुप्ता ब्रदर्स था जिसमें मैं लीड कर रही थी. तो उसके बाद फिर मैंने और मूव ऑन किया तेलुगु फिल्म्स में, वहाँ पे मुझे अच्छे ऑफर्स आने लग गए. तो आई हैव कंप्लीटेड माय फोर्थ फिल्म इन तेलुगु. एंड उसके बाद फिर ये बॉलीवुड का यशराज का ऑफर आया, तो मैंने ये अपनी पृथ्वीराज चौहान फिल्म की. उसके बाद आई इमीडिएटली गॉट अ चांस फॉर अनदर फिल्म, अनदर बॉलीवुड फिल्म जिसका शूट मेरा कल ही कम्प्लीट हुआ है. तो हाँ, slowly slowly I'm taking a step ahead. जिस तरीके से भी आपने बताया फर्स्ट स्टेप, तो जैसे फेसबुक से कनेक्ट होके सीरियल्स से स्टार्ट हुआ है, बट अगर हम सीरियल्स, ओटीटी और मूवी की बात करें, तीनों अलग स्टेज होता है. सो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, पृथ्वीराज और जो सीरियल वाला डेब्यू था, दोनों में तो बहुत डिफरेंस था. सी टीवी का अपना चार्म, हम ये नहीं बोलेंगे कि टीवी अच्छा नहीं है, टीवी का खुद अपना चार्म है, उसकी अलग फैन फॉलोइंग, उसकी अलग ऑडियंस है, फिल्म्स की अलग है. तो हाँ, टीवी आई एंजॉयड, क्योंकि टीवी में मुझे बहुत सारा सीखने को मिला, लाइक एक्टिंग एंड कैमरा फेसिंग, सब कुछ मेरा टीवी ने मुझे ट्रेन किया है. और उसी का बेनिफिट मुझे फिल्म में हुआ, क्योंकि उसके बाद जब मैंने ये फिल्म की, आई न्यू हाउ टू फेस कैमरा, आई न्यू कैसे अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करना है. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अलग अलग थे, क्योंकि 200 करोड़ की फिल्म, 200-300 करोड़ की फिल्म एंड टीवी शोज, बहुत डिफरेंट हो जाता है. बट देन डेफिनेटली मूवी एक्सपीरियंस वॉज मच 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 बेटर देन टीवी. So when we come to Prithviraj, there are many more actors or lead actors who are very well known and all. Yes. You were working with them, yeah. with them. So how was your experience? Well, it was very overwhelming because I grew up watching them and their films. And उसके बाद उन्हीं के साथ same set पे रह के वहीं काम करना, it was like very overwhelming feeling for me, and I felt really blessed. The first day I entered Yashraj office, I felt very blessed, क्योंकि I think यहाँ पे जितने भी actors आते हैं हर महीने हर हफ्ते, उनका एक ही aim होता है, Dharma, Yashraj, they want to go to the biggest production house ever, and Yashraj is one of them. So when I entered the office to sign my agreement, it was like a dream come true. And definitely I'm going to do more better roles with more bigger production houses very soon. So although what is your role in this movie, like people should get something. Yeah, so in this film I'm playing Manushi's sister, who's there as her strong support for the entire film. Like shuru se aakhir tak she's there, she's a strong support, and it's a beautiful character. Did you learn anything like working with so many characters? There are n number of characters in this movie. Yes. And people are loving the trade off. They are like thinking that what it will be, and there are so many characters. Yeah. So can you give us some hints so that the people should get attracted to it? First of all, there is Akshay Kumar, yeah. the biggest superstar ever, and he's a very jovial, very nice, a very amazing co-actor to work with. And then there is Manushi, she is debuting, and she has given her best, the best she could, she has given it. And then there is Ashutosh Rana sir, Sakshi Tanu ma'am, Sonu Sood sir, Aman Vij. So the entire cast is amazing, and they've put their best in the film. And I cannot give the spoilers of the film, but yeah, you're gonna love it. And मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जैसे कि बाकी की जो फिल्म्स आती हैं हिस्टोरिकल बेस्ड फिल्म्स, उसमें वो उसे ड्रामेटाइज करने के लिए उसे लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं या बहुत बड़ा चला के दिखाते हैं. ये जो फिल्म है, ये हमारे डॉक्टर साहब ने इस पर बहुत रिसर्च की है, आई थिंक मोर देन 14 ईयर्स उन्होंने लिखने में लगाए हैं, और ये बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है. इसमें अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे या अपने फ्रेंड्स को लेके जाएंगे, तो उनको एक बहुत सारा ज्ञान जानने को मिलेगा, कि लेने को मिलेगा कि फिल्म में एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान की लाइफ में हुआ क्या था. इसमें कुछ हमने ओवर एग्जैजरेट, ओवर ड्रामेटाइज कुछ नहीं किया है, इट इज़ द रियल फैक्ट. तो हाँ, डेफिनेटली हिस्टोरिकली आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा. जैसे कि अभी आपने कहा, आपने पहले तेलुगु मूवी भी की है, एंड अभी यशराज, कितनी बड़ी पिक्चर मिली है. सो क्या आपको लगता है कुछ डिफरेंस होता है टॉलीवुड एंड बॉलीवुड में? बिकॉज नाउ इट वॉज गोइंग ऑन इन ट्रेंड दैट टॉलीवुड इज ऑल दी स्टोरीज आर वेरी वेल टोल्ड एंड ऑल. सो डू यू थिंक दैट? हाँ,
टॉलीवुड एंड बॉलीवुड कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं. वहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क तो लैंग्वेज का है, क्योंकि जब हम हिंदी फिल्म में एक्ट करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज से हम बहुत अच्छे से एक्मेंटेंस हमारा है, तो हमको बोलने में प्रॉब्लम नहीं जाती है, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने इमोशंस के हिसाब से. बट जब तेलुगु फिल्म में एक्टिंग करनी रहती है तो वो डायलॉग्स रटना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है. तो हाँ, वो डिफरेंस है. एंड प्लस उनका स्टोरी मेकिंग का प्रोसेस, वो उनमें हीरोइज्म बहुत ज़्यादा दिखाते हैं. यहाँ पे थोड़ी रियलिस्टिक फिल्म्स बनना शुरू हो गई है, वो दौड़ जा चुका है बॉलीवुड का, अब लोग रियलिस्टिक फिल्म ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. वहाँ टॉलीवुड में अभी भी लोगों को बहुत ओवर एग्जैजरेटेड हीरोइज्म वाली फिल्म अच्छी लगती है, रावलीनेस ये वो. तो हाँ, बहुत डिफरेंट टेस्ट है साउथ का और बॉलीवुड का. एंड आई थिंक बॉलीवुड की जो जनता है वो भी अब साउथ की फिल्म्स को पसंद कर रही है, इसलिए साउथ की फिल्म्स इतनी बड़ी हिट हो रही हैं आजकल. पृथ्वीराज का जब पहला म्यूजिक जब आया, सो उसमें हमने देखा जिस तरीके से पूरा कलरफुल आना जो यशराज की फिल्म में होता ही होता है. सो आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ आपको अच्छा लगा है? जस्ट लाइक वी ऑलवेज सी संजय लीला भंसाली फिल्म, लाइक इट इज़ लाइक फुल ऑफ कलर्स एंड ऑल. सो हाँ, हमारी फिल्म में भी द सेट्स आर वेरी ह्यूज. जब हम सेट्स पे जाते थे उन्होंने एक्चुअली सारे कैसल सब रियलिस्टिक बनाए हैं, ज़्यादा वीएफएक्स का काम है नहीं उसमें, क्योंकि सब कुछ बहुत रियलिस्टिक है. और ड्रेसेस हमारी, हाँ हमारी फिल्म में आपने एक चीज़ देखा होगा कि जैसे संजय सर की जो फिल्म होती है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग, ओवर ऑर्नामेंट्स और सब कुछ होता है. लाइक इट इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, बट हमारी फिल्म में सिंस डॉक्टर साहब ने इसको बहुत रियलिस्टिक रखना था, इसलिए उन्होंने सब कुछ बहुत मिनिमल जैसा एक्चुअली उस टाइम पे होता था उन्होंने इस पर रिसर्च की और वैसे ही रखा है. तो जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी या रानी की तरह नहीं या राजा की तरह नहीं दिख रहे, जो मैंने कॉमेंट्स थोड़े बहुत पढ़े थे, एक्चुअली पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था. वो 20-25 किलो के हार और लहंगे पहन के दिन भर रानियाँ नहीं बैठती थी. तो हाँ, दिस इज़ मोर ऑफ अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ फिल्म. सो आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, व्हाट वाज योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज रिएक्शन? आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर दे आर वेरी ईगर टू वॉच इट. माई ऑल ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरी वन फैन पेजेस, दे आर ऑल वेटिंग डेस्परेटली फॉर इट्स रिलीज. एंड आई थिंक दे हैव बुक्ड द फर्स्ट शो एंड दे आर ऑल वेटिंग फॉरवर्ड टू इट. As in like you have done many characters, but the actor or his actress, they have one hope that I want to do such type of character, but it's still remaining. Yeah. Is it so any character is there like which you would like to show? There's no such character in my mind, but yeah, I would definitely would want my next film to be a heroine based film, like the female centric film, which I am doing right now. It is a very much female centric. The film's name is The Country Pride, and it's based on Nandini's life story, and I'm playing the Nandini. So I always wanted to do that kind of film. And I also want to do Yashraj Dharma film where heroines like baal udte hain, patte udte hain, hawa chalti hai, hero heroine. I like to do those kind of character, like the fictional characters more. If you talk about Prithviraj, what was the best part which you liked the most? Like while doing the whole movie, we feel like, yeah, this was the best part which I want to try if I get the next chance. I would definitely want to do a queen or a princess next time if I do a film based on a real life character. So I would definitely want to do a princess or a queen, which is the main heroine of the film. Definitely. So, living this, any new projects which is in pipeline which you would like to say to all the So two of my, three of my major projects are, there's Maitri Movie Makers, which is the Yashraj of South Industry. So they are doing a film with Kalyan Ram and he's a very big star over there. So I'm playing a very important cameo in that. So I'm excited for that. Next film is Sasana Sabha, which is again a very big film because KGF team is doing all the post-production, BGM, music work. So I'm playing the lead in that film and I'm very much excited for that as well. And in this Bollywood, I'm doing The Country Pride where I'm playing the main heroine. It is a female-centric film. So those are the three main important films that are going to release this year. If we talk about Prithviraj, in the same week there are many more movies which are going to come, just like Major and Vikram. So what do you think, there will be a clash up, which movie will be going so big? I think Prithviraj Chauhan is going to be a very big hit because people are desperately waiting for its release and I've seen people's reaction, they are just waiting for it. And all the best to Major and all the other films, but yeah, Prithviraj is going to break all the records, I believe. Although, when is the movie is going to release and what you would like to say to all the fans?
So the movie is going to get released on 3rd of June, and I would request all the fans, all the friends and everyone to go watch it, not once, twice, thrice and many more times, because you should learn from our history, what all our kings have gone through and what all they have done to protect this country. So yeah, definitely you should watch it. If not for film, then you should watch it for our great king, Samrat Prithviraj. So yeah, I would definitely suggest you all to please go and watch the film. Thank you. Welcome. Thank you. मैं निकम्मी हो गई हूँ आज. हाँ चलेगा, ये रिलीज तक मैं ठीक हूँ. इस नाम से मैं इसी नाम से जानी जाऊँगी. नहीं, बहुत खुशी है मुझे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैजेंट है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिड वुमेन, जो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी पहचान भूल जाती हैं या खो देती हैं शादी के बाद. ज़्यादातर लड़कियाँ जानी जाती हैं अपने पति के सरनेम से. बहुत कम मेरी जैसे अपना सरनेम रखती हैं, मिडिल नेम रखती हैं. बट इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. पर आई फील अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहिए. एंड आई फील हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से, स्पेशली इंडियंस, के यू नो यू एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ योर फैमिली. एंड आफ्टर मैरिज ऐसे हो जाता है कि बस सब कुछ अपने फैमिली के लिए ही करती हैं लड़कियां, और अपने बारे में भूल जाती हैं एंड अपने लिए करना बंद कर देती हैं, यू नो. एंड अगर करती भी हैं तो बहुत ही अपोलोजेटिक फील करती हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा पैजेंट का होना फॉर दोज वुमेन हु आर मैरिड, और मुझे ऐसे लगता है दे फील कि शादी के बाद नोबडी वॉन्ट्स देम, यू नो. और ऐसे मतलब कुछ हासिल करने के लिए रह नहीं जाता इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्यूटी एंड ग्लैमर. तो ऐसा जब एक पैजेंट हो जाता है तो यू जस्ट फील के यू नो देयर इज समथिंग दैट इंसेंटिवाइजेज वुमेन कि खुद अपनी पहचान को बनाए रखे, अपनी पहचान यू नो ताकि उनको वापस मिल जाए. एंड आई जस्ट फील इट्स रियली वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ जज ओवर हियर. एंड So yes, I feel really happy and elated, and I want to thank Shweta and Ranbir Roy. Thank you.
जैसा कि शिल्पा जी आपने बताया है, बहुत सारी लड़कियां हैं कि शादी के बाद भी वो काम करना चाहती हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ टिप्स देंगे शिल्पा जी, जो कि हमेशा आपकी तरह ऐसे ग्लैमरस? I just feel that you have to, अगर आपको काम करना पसंद है, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि बस काम ही करो और फिर अपने अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर करो. वो बैलेंस बनाए रखो. अगर आप काम भी कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी उतना ही अहमियत दें. एंड प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. अपना 100% देना उस वक्त में, उस क्षण में रहना बहुत ज़रूरी है. तो जब आप, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं 100% अपनी फैमिली की होती हूँ. जब मैं सेट पे होती हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं 100% अपने काम को देती हूँ. सो आई जस्ट थिंक, या जी जी, थैंक यू. आपके ज़रिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ. जब मैंने ट्रेलर पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वाह यार, क्या कमाल ट्रेलर है. बिकॉज आई लव मासी एंटरटेनर्स, जो निकम्मा फिल्म हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं 17 जून को. मुझे ऐसे लगा, मैं शायद बायस्ड हूँ, लेकिन सभी को बहुत अच्छा लगा. गाने बहुत अच्छे हैं हमारी फिल्म में. और एंड इट्स एन आउट एंड आउट मासी एंटरटेनर. सो आई रियली होप यू गो एंड यू सी इट. एंड मुझे एक नए अवतार में मैं खुद दिखूँगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे लेकर. आई नो 21st को मैं लंदन रहूँगी, लेकिन उस वक्त वहाँ से मैं योगा करूँगी. थैंक यू सो मच. हैप्पी इंटरनेशनल इस मौके का. 1 मिनट, ये बात के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. चलो यहाँ से बैठ. Yeah, better it should be. Hello. Hello, sir. What are you looking gorgeous. Yeah, you are looking. I'm looking dapper. It's dapper. Today. Yes. Nice ticket. Oh, no. Near? Yeah. One second. Let's go. Chalo. Roll, guys. Squeeze the order for the camera. Rolling? Roll. Well, I'm really very nervous because, as I always said, that this year is bigger and better, and you can see the venue, you can see people out here, you have already seen the contestants. So yes, it is going to be very big, and it's a very special day for me. So I'm just looking forward. जो साल भर पहले बीज बोया था ना, वो अब पेड़ बन गया है. इनफैक्ट एक साल पहले. Yeah. So this is the round two नहीं कह सकते, this is the grandeur, मतलब एक भव्य शुभारंभ भी नहीं कह सकते. मैं क्या कहूँ, आज मैं अल्फाजों से कम, क्योंकि मज़ा इतना आ रहा है, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है. और सारी टीम ने बड़ी मेहनत की है. हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है, वी गॉट 20, वैसे तो कितना, 300 एंट्री, मोर देन 300. यस, एंड वी गॉट 20 फाइनलिस्ट. यस, फाइनलिस्ट. सो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और फिर शिल्पा शेट्टी आ रही हैं, तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो होगा बनता है. एंड हमने साथ में स्टार्ट किया था सीजन 1, तो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है. सो या, I still remember the day when I met Shweta, कि ये किस तरह का इवेंट होने वाला है, इनका विजन क्या है. तो इनिशियली मैं बड़ा नर्वस था, लेकिन भाई काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने जो है, जो कहा वो बिल्कुल उस पर खरी उतरी. थैंक यू वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये तो बड़ी लास्ट मिनट टिप हो गई अब, बट यू हैव टेकन सेशन विद ऑल द कंटेस्टेंट्स, आपकी क्या राय है इस बार के कंटेस्टेंट्स को लेकर?
आई थिंक कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं और कल हमने टैलेंट राउंड देखा तो उससे तो मुझे लगता है कि कंपटीशन और टफ हो गया है. सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड आई थिंक मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट्स इस कॉन्टेस्ट का पार्ट हैं वो सब अपने आप में ऑलरेडी विनर्स हैं बिकॉज ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म श्वेता और उनकी टीम ने प्रोवाइड किया है कंटेस्टेंट्स को कि वो ना केवल अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहे हैं पर अपने आगे के जो उनका गोल है लाइफ में उसके लिए भी वो तैयार हो रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू विश ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट वन विन. यस आई एम एक्साइटेड इसलिए मैं बाद में बोल रही हूँ एंड में ताकि ये जो बोले उसे रिपीट ना करूँ. सो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन एक्सपर्ट हूँ. यू नो दे से दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. सो आज जो भी ड्रेसेस मेरे कंटेस्टेंट्स पहनकर आएंगे मैं उनको ये जज करूँगी कि आधे कंफर्टेबल, बिकॉज कई बार जब हम भी वी आर वेयरिंग समथिंग ऑफ शोल्डर सो यू नो वी आर ऑल द टाइम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट. सो यू नो कितना कंफर्ट लेवल है उन लोगों का इतने बड़े जूरी के सामने खड़े होके उनके क्वेश्चन, और उनको ऑफकोर्स कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं. तो यस श्वेता कंपटीशन तो होने वाला है ऑफकोर्स, और हर कंपटीशन में विनर भी होता है और यहाँ भी हम विनर ही डिक्लेयर करने वाले हैं. लेकिन यू नो कल जब मैंने परफॉर्मेंस देखी तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी. सो आज बहुत ही आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट होगा कि ये या वो, बट वही तो मज़ा है इस कॉम्पिटिशन का. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. यस सो मैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन के लिए भी काम करती हूँ एंड मैंने कुछ बच्चियों को अडॉप्ट भी कर रखा है. तो आज मेरी बच्चियाँ रैंप पे चलेंगी एंड आप लोग को भी अच्छा लगेगा देख करके, बिकॉज ये इन बच्चियों को पढ़ने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है. सो अगर इस कॉज को देख करके और 10 लोग आगे बढ़े और अगर एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट करें उनकी स्टडीज़ एंड उनका खाना पीना रहना, तो मेरे लिए ये शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा. सो वेरी गुड, किस तरह का इक्वेशन रहा है अब तक कंटेस्टेंट्स के साथ? दुबई में भी आपने सेशन लिए हैं. उधर जब आप किसी के साथ रहते हैं तो उनके हाव भाव उनके किरदार के बारे में जानते हैं, तो जितना भी दिन मैंने उनके साथ बिताया है तो सब जो है ना वो कोई आपको कोई हम्बल बैकग्राउंड से मिलेगा, कोई जो है बहुत कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से मिलेगा, किसी की ज़िंदगी क्या चल रही है जब आप मिलते हैं तो पता चलता है. लेकिन उसके बावजूद भी वो सर सारी चीज़ों को दरकिनार करके जो है एक मुस्कान चेहरे पर ला करके अपनी पहचान बनाने के लिए आज वो यहाँ आई हैं. तो मुझे लगता है कि ये उनका दिन है और हम सिर्फ जो है उनका साथ दे रहे हैं, उनको विंग्स दे रहे हैं आज टू फ्लाई हाई इन द स्काई. Thank you so much, guys. कैसे हो आप सब? इंडिया मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर टैलेंट है तो उसे आप एक्सप्लोर कीजिए, और ये जो प्लेटफॉर्म है क्वीन इंडिया का, वहाँ पे आपको ये मौका दे रहा है कि आप इसको एक्सप्लोर करें. एंड मैं पूरी टीम को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि कभी कभी हो जाता है कि हम सभी के अंदर वो इच्छाएं होती है, वो टैलेंट होता है, पर अपन कर नहीं पाते. बट आई एम ग्लैड कि सारे पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट ये सभी कर रहे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये बहुत एक मेगा इवेंट है. एंड यस और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, थोड़ा सा
छाया के बारे में आप बताइए थोड़ा कुछ अगर आप बता सकते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यस, मैंने एक गाउन पहना है एंड मेरे जो स्टाइलिस्ट है उसने इसको बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। सो या, जब भी आप इस तरह के फंक्शन में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो क्या आप सोचती हैं किस तरह से अपने लुक को अपने प्रेजेंट किस तरह से करना है, कितना आप सोचती हैं? मैं सबसे ज़्यादा तो सोचना तो डेफिनेटली मेरी टीम का काम है, सॉरी मैं उसके क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, बट डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ और सबसे ज़्यादा कि मैं उसमें कंफर्टेबल रहूँ। भले ही ड्रेस देख के बहुत लग रहा है कि हाँ हैवी है, पर आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइटर वेट हो ताकि मैं जब भी कोई किसी इवेंट पर जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ कम्फर्टेबल रहूँ, दैट्स व्हाट। और मुझे लगता है कि फैशन, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ भी पहनो आप अच्छे ही लगेंगे। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है, कई सारे सेलिब्रिटी जा चुके हैं, आपके कोई फेवरेट है, कोई आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, जैसे कि शिवांगी है, प्रतीक है, निशान है, कई सारे सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, तो कोई है आपके फ्रेंड्स? फिलहाल तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट मैं पर्सनली किसी को तो नहीं जानती, बट डेफिनेटली अगर वो लोग गए हैं तो अच्छे से इंजॉय करें और जो सच सबके अंदर जो जीतने की जज्बा है, सब ही जीत के तो आना पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही जीतेगा, सो विश देम ऑल लक। या डेफिनेटली मुझे तो खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली अगर मौका मिले तो क्यों नहीं, क्योंकि बहुत एडवेंचरस है, बस यस मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे स्नेक फोबिया है, सो या। एक और चीज़ है जरा, यहाँ जो अंदर सारे कंटेस्टेंट्स हैं, या दे आर मैरिड और दो तो दे आर ग्रैंड, या दे आर स्टिल वॉकिंग द रैंप एंड दे आर डूइंग ऑल द मूविंग सेशंस, या या तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? एक्चुअली क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की की अगर एक औरत की शादी हो जाए तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो मुझे एंड सारे जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर आप मैरिड भी हो जाए, अगर आप आपके परिवार है, अगर आप नहीं भी, मतलब आप बैचलर है, जो भी है आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, फिर भी जो आपकी जो ड्रीम है उसको अचीव करने की जो आपकी इच्छाएं हैं वो हमेशा किप इट अप रखना चाहिए, और इन लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड शो, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शो इज़, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू. एक्चुअली ये मेरा जो लुक है ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ लास्ट मोमेंट वाला लुक है, क्योंकि लाइक जब हमें इनविटेशन मिला था उसके बाद लाइक हमने डिज़ाइनर को बताया और उन्होंने एक दिन में ये ड्रेस बना के दिया. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ड्रेस. मुझे सबसे पहले ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिस आउटफिट ओवरऑल. सो आई गेस लाइक ये लास्ट मोमेंट वाला लुक था, बट स्टिल आई लव इट अ लॉट. लाइक सब जो भी मुझे देखते हैं एवरीवन इज लाइक इतनी बड़े हो गए आप तो कुल्फी हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाइक सबके दिमाग में कुल्फी इतनी छोटी सी है अभी तक. सो लाइक बड़ी हो गई हूँ, मेरी हाइट भी जल्दी बढ़ी है, तो लाइक किसी को अभी बिलीव भी नहीं होता है बट बढ़ रही है हाइट. आने वाले दिनों में शोज हम आपको देख पाएंगे, आने वाले दिनों में कुछ आप बता सकती हैं? अभी एक्चुअली मैं थोड़ा स्टडीज़ पे फोकस करने का कोशिश कर रही हूँ, बट बाकी सब मेरे मॉम डैड हैंडल करते हैं, और अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो ऑफ कोर्स आई विल डू इट. हमने आपको डांस दीवाने में देखा था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद करण सर? करण हमेशा से आपकी काफ़ी मस्ती हुई. यस यस, बताना चाहिए करण के साथ कैसा रहा? बहुत मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि लाइक आई वाज नॉट श्योर कि वो कैसे होंगे. सो लाइक ही केम, ही वाज वेरी फ्रेंडली एंड लाइक फ्रेंड की तरह हमने मस्ती किया पूरे शो में, इम्प्रोवाइजेशंस की बहुत सारी. ओवरऑल इट वाज अ फन. इससे पहले एक्चुअली मैं उनसे नहीं मिली थी, तो लाइक हमने वहीं पे उस शो के पहले एक रिहर्सल करी थी, तो लाइक उसी में सब कुछ किया था. ओवरऑल इट टर्न्ड आउट प्रीटी गुड. तो आने वाले दिनों में हम आपको देख पाएंगे फिर से करण के साथ होस्ट करते हुए, मतलब शो के अंदर आपको बुलाया जाए तो अभी देखते हैं क्या होता है. ओके, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? कोई फिल्म आप देख रहे हो? देखा आपने जो ज़्यादा आपको पसंद आए, या वेब सीरीज कोई? अभी मैं मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ देख नहीं रही हूँ, बट लाइक मैंने भूल भुलैया 2 देखी थी रिसेंटली जो अभी आई थी. सो इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि जब से मैंने भूल भुलैया 1 देखी थी और लाइक मुझे 2 का पोस्टर दिखा था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे देखनी है मूवी. अभी भी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहते? भूल भुलैया में से नहीं, ऐसे ऑन स्क्रीन कोई कैरेक्टर. एक्चुअली मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, लाइक डिज्नी पे बहुत सारी सीरीज आती हैं, उसमें लाइक एक सेलेना गोमेज का शो था, सीरीज थी, उसका नाम था विजर्ड्स ऑफ वेवरी पैलेस. उसमें आई थिंक मैं सेलेना का रोल प्ले करना चाहूँगी, इट वुड बी वेरी नाइस. शी वॉज लाइक अ विजर्ड इन मैजिक एंड ऑल, सो लाइक दैट रोल वुड बी वेरी नाइस. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगी एंड स्पेशली इशरत दीदी को, क्योंकि मैं उनके साथ वर्क कर चुकी हूँ एज अ को आर्टिस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विश एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. कभी आप रेड कार्पेट में कभी वॉक किया है आपने कुछ, अगर आप शेयर करना चाहें अपने? हाँ, बहुत बार किया है मैंने इन अवार्ड शोज एंड मैनी इवेंट्स रेड कार्पेट पे, एंड
I'm very excited for today. I'm just shivering. Okay, so I'm wearing tutus by Tutu by Shivangi Didi, and she designed this beautiful coat pant set for me, and मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में. I paired it with black heels. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है. आज फाइनली फाइनल डे आ गया है दैट आवर विनर विल बी डिसाइडेड. बट आई थिंक फॉर मी ऑल आवर विनर्स सब इतने अच्छे रहे हैं अभी तक की जर्नी में. सो फॉर मी ऑल आवर विनर्स. हमारे आउटफिट्स वेल मैंने तो बहुत एक सिंपल सा गाउन पहना है. इट्स बाय द ब्रांड कॉल्ड द शी साइड एंड स्टाइल बाय रीमा एंड या Parul is all blingy. Yeah. So of course very excited for the finale today. और हम लोग first season से जुड़े हैं इनके साथ. आप second season पे पहुँच गए हैं. Time really flies. First season की contestants देखी नहीं. अब second season के contestants. The competition is only getting bigger. It's becoming grander. हम सब दुबई गए थे. वहाँ पर प्री फिनाले राउंड्स हुए थे. बीच वेयर राउंड हुआ उनके साथ. पर्सनल क्वेश्चंस हुए. ग्रूमिंग राउंड्स हुए. तो बहुत जानने का मौका मिला है आपकी बार कंटेस्टेंट्स को. आई थिंक पर्सनली बहुत जानने का मौका मिला है. हर कोई एक जर्नी रही है. हर एक की एक पास्ट रहा है. कुछ लोग सेपरेटेड भी हैं और काफ़ी सिंगल मॉम्स हैं. सो एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेटफॉर्म है उनके लिए अपनी पहचान बनाने का. एब्सोल्युटली वेरी इंस्पायरिंग एंड मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन. यस. आई थिंक मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का फोबिया है. बट डेफिनेटली इफ गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू टेक द चैलेंज टू कम ओवर माय फोबियाज. एब्सोल्युटली आई थिंक आई वुड अग्री. इट्स अ पॉपुलर शो. वेरी वेरी थ्रिलिंग. और कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जो लाइफ में यूजुअली आपके सामने नहीं आते. तो डेफिनेटली आई वुड बहुत सारे आपको फियर्स शायद आप डिस्कवर करते हैं खुद में कि क्या आपके फियर्स हैं. एक्चुअली दूसरों को देखकर तो लगता है हाँ मैं ये बिल्डिंग पर चढ़ सकती हूँ. बट जब खुद पर बात आती है तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली आपके फियर्स क्या हैं. सो डेफिनेटली वुड लव टू. I don't want to reveal too much, but then you would see me very soon in a TV show. मुझे तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं पार्ट ऑफ भाग्य लक्ष्मी ऑन जी टी वी एंड ऑफ कोर्स आई एंकर सास बहू और बेटियाँ फॉर गुड न्यूज़ टुडे. सो राइट नाउ माय हैंड्स आर फुल एंड द डेट्स आर फुल. बट इफ सम एक्साइटिंग वेब प्रोजेक्ट कम्स बाय आई वुड लव टू. या थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इंडिविजुअल हाँ.
आप तो मतलब ट्रोलिंग ही कराते रहेंगे।